जी जैसे आप, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि सिंस जब लॉकडाउन लगा, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टर्बुलेंट फेज था डिजिटल मार्केटिंग में। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हमें जो ऐसा लग रहा है कि एक और वेव आने वाली है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिवली भी डिस्टर्ब कर सकती है और नेगेटिवली भी, विच इज AI। सो उसको लेके अभी आपको आपको लग रहा है क्या, इज इट हियर राइट नाउ, और या फिर उसमें अभी टाइम है AI को लेके? AI के बारे में आपको बताऊं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री। AI ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है। मतलब अब आपको मल्टीपल टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो AI के थ्रू, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस टू टॉक अबाउट इट, बट AI का पोटेंशियल अब जागने लगा है एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू बिकम अवेयर। मतलब आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, हमारे कंपनी में हमको 6 महीने हो गए AI को, हम थोड़ा सा लेट थे बट ठीक है, 6 महीने हमने AI पिक करा। आज की डेट में हमारा 80% काम AI के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या हो रहा था पहले AI के, पहले जो हम खुद कर रहे थे, और क्या है अब जो AI ने टेक ओवर कर लिया है सबसे आपके? बड़ा चीज अगर आपको बताऊं ना, मैं आपको कुछ विजुअलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल। हम एक क्लाइंट के लिए सर्व करते हैं विच इज अ टीवी चैनल पर्सन, ठीक है ना। उनकी कंपनी एक टीवी चैनल चलाती है, आई कैन से नंगल टीवी मान लो। अब उनका जब शो बनता है ना, पहले होता था डायरेक्टर या जो भी, आई डोंट नो हाउ यूज टू हैपन, पर वो स्टोरी समझाते थे, विजुअलाइज कराते थे। अब जब मैंने उनका डेक देखा, इट वॉज AI बेस्ड। तो वो जो स्क्रिप्ट राइटर वट एवर पर्सन वॉज, जिसने कॉन्सेप्ट बनाया, उसने AI को बता दिया कि मुझे ऐसा कोई विजुअल दे जिसमें वो बंदी ऐसे बैठी हुई है या वो बंदा ऐसे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का जो मोहब्बत में कैरेक्टर था, वो अमिताभ बच्चन ने प्ले करा तो मालूम पड़ा क्या कैरेक्टर था, हाँ बट दिस पर्सन कैन एक्चुअली टाइप इट ओवर देयर एंड देन शोकेस टू पर्सन, भाई तुमको ये बनना ओह, है। मतलब या आपके आप पास पूरी मूवी ऑलरेडी है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइजेशन हैज इमेजिन। बिकम वेरी हाँ इजी, आपको हाँ समझाना नहीं पड़ रहा, आप दिखाने के लिए इट्स वेरी इजी कि आप दिखा सकते हो हाँ तो भाई। इट्स लाइक अ हाउस, जो आर्किटेक्चर डिजाइनर का वो पहले ही बता देता है कि ऐसा घर दिखने वाला है, हमें ये करेक्ट, घर बनाना है। हाँ समथिंग एज सिंपल एज, मुझे अगर आपको मान लो मेरा पॉडकास्ट होस्ट करना है, तो आपको वहाँ पे टाइप ही करना है कि यार एक डिजिटल मार्केटिंग ओनर को आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आपको दे देगा, आप उससे कुछ निकाल सकते हो, आप आगे पूछ सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं, उस बंदे की जर्नी ऐसी थी, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, इतने हद तक आप उससे बात कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली समथिंग दैट विल, मतलब अब देखिए ऐसा फेस क्रिप्टो का भी आया था, मेटा का भी आया, सब ऐसा बोलते थे कि मेटावर्स वगैरह, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये कुछ है, पर AI इज समथिंग आई एम 100% श्योर आज की डेट में, आई वुड से जिसको भी आगे बढ़ना है ना किसी भी फील्ड में, AI की स्टडी करना शुरू कर दो आप लोग। ये है सब कुछ, मतलब आप अगर फैक्ट्री भी चलाते हो, आपके पास अगर AI का नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमने एक क्लाइंट के सर्व करा ओमैक्स ग्रुप, तो उनके जो ओनर है जतिन गोयल सर, उनके पास एक विजुअलाइजेशन थी उनके फूड कोर्ट के बारे में कि मुझे एक सिटी बनानी है। वो विजुअलाइजेशन हमारे पास ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, हमने बहुत ट्राई करना, तो वो यार ही इज वन ऑफ अ काइंड, उनने ChatGPT में चालू करा एक रात को बैठना, नेक्स्ट डे ही एक्चुअली शोड अस कि मुझे ये चाहिए भाई, अब आई अच्छा करो दैट गिव अस, जो हम 2 महीने में नहीं कर पाए थे, विद इन सेकंड ही अंडरस्टूड व्हाट ही वांट्स एंड देन वी डिलीवर्ड। कम्युनिकेशन इजी हो गया। हाँ कोई समझा रहे कि मुझे सिटी बनानी है, मुझे सिटी में ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे ऐसे नगर चाहिए, मुझे कहानी बतानी है, तो वो बता नहीं पा रहे थे। तो इवेंचुअली वो AI पूरी दिख गई सामने। तो दिस इज वेयर AI इज वेरी, मतलब मैं तो आपको विजन बता रहा हूँ जनरली सेइंग, AI इज समथिंग हर बंदे को थोड़ा एफर्ट लगा के सीखना चाहिए, या ऐसे लोग रखो जिसको यूज करना आता हो, एज सिंपल एज दैट। पर ट्रेंड सेटिंग तो है, एक ड्रिफ्ट एकदम से आएगा AI को लेकर, नो मैटर व्हाट वी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अब दिख भी रहा है, कहीं बहुत से लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिग यूनिवर्सिटीज में अब इसके लेक्चर्स चालू हो गए हैं, इसकी यस क्लासेस चालू हो गई हैं, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है अब ये AI। सो आई थिंक बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है चेंज, नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपका बिजनेस कोई सा भी हो, जैसा कि आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि अगर आप AI को जानते हो तो यू कैन डेफिनेटली मेक सम गुड आउट ऑफ इट। तो वो एक और चीज ऋषभ के, जैसा कि फेसबुक है ठीक है ना, उस पर एड सब रन कर सकते हैं, पर आपको एक नॉलेज होना चाहिए कैसे रन करना है। सिमिलरली AI में ऐसा है, उसे प्लेटफॉर्म दे दिया है और उसको यूज करने के लिए आपको उसको यूज करना आना चाहिए, तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टॉट, वो आपके एनालिसिस से है। मतलब देयर कैन नॉट बी एनी कोर्स जो सिखा दे AI को लेकर, ऐसा मेरा मानना है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस सिखा सकता है आपको, विच इज द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, द नंबर ऑफ कोर्सेज गोइंग ऑन, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, आई वुड से आप खुद सीखो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, जानो, तभी आप सही कर पाओगे। हमने भी कंपनी में कोई कोर्स नहीं करा है, मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कोई कोर्स करा कैसे सेमेस्टर में आ गया, बट नहीं, खुद हाथ जलाओ तो ही समझ में आएगा क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, दैट्स इट। आई मीन द टेक्नोलॉजी इज देयर, हाउ टू यूज इट नोबडी नोस,
हाँ डेफिनेटली ओनली एक्सपीरियंस कैन टेल यू दैट। हाँ बेसिक्स आप जान लोगे, बेसिक्स आप समझ लोगे कि प्रॉम्प्ट्स देने हमें, बट उसमें जो एक्सपेरिमेंट प्रॉम्प्ट से क्या करना है एग्जैक्टली वो आपका है, आपको करना है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना वाला है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बता दिया ड्रॉ करना है तो हैश ड्रॉ करके लिख दो आप, और उसे ड्रॉ करना क्या लिखना है वो जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना आप नहीं कर सकते उसको आगे। तो यस दैट समथिंग के एआई मतलब फ्लॉ बोलो या बून बोलो, इट्स अ बून दैट ओनली एनालिटिकल माइंड कैन यूज इट, इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल हु हैव गुड माइंड, दैट्स इट। The next generation. Okay, so now you call your employees and everyone as a partner, ठीक है? So अभी कभी किसी को fire किया है company में? कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी? Yes. This question is from one of your long-term employee. It was not from AI. Okay. देखिए पहली बात तो ऐसा कि मेरी कोशिश रहती है कि मतलब इट्स अ बिग अरे पहले मेरा फिर से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, किया है या नहीं किया है? हाँ या ना? देखिए कहानी ऐसे होती है कि पहला मेरा स्टेप ये रहता है कि मैं ट्राई करूँ उसको ऑप्शंस यहाँ नहीं सेट हो रहा यहाँ सेट करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अपने गट पे ट्रस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ सही होगा उसके अंदर, तभी साथ में आया वो। बहुत ट्राई करता हूँ, मतलब आई वुड से मेरी टीम में एक चिराग नाम का बंदा है वो मेरे साथ आज 4 साल से, मतलब जब से कम फर्स्ट पर्सन ने ज्वाइन मी। बहुत मोमेंट्स ऐसे है जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि यार वो इंसान सही नहीं है, वो एथिकली सही नहीं है, मक्कार है, लेट ऑफिस में आता है, जल्दी चले आता है, कम टाइम पे आता है, बनमर्जी चलाता है, गुस्से वाला, ईगो वाला है। ठीक है, लिसन टू द होल थिंग, मतलब थिंग इज कि कहीं ना कहीं आई हैड फेथ कि यार ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको शफल करता रहा यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ। And eventually, one thing I saw was he accepted everything. कि इतना shuffling के बाद भी उसने कभी ना नहीं बोला। And also, whatever we the ball I pitched on him, he played the shot. He never backed off. Talent तो है। Positioning का फर्क पड़ रहा है बस। तो try करो place करने का। तो my point is, he is one of the most crucial people in the team right now. कि उसके around बहुत सारे game चलता है हमारे company में। अब कहानी यह है कि कई बार इसी फेल भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, विच रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस आल्सो हुए हैं। आई पर्सनली फील अगर मैं उसको सेट नहीं कर पाऊँ तो बंदा गलत है, दैट इज वेयर आई पुट माई स्टेप डाउन, कि अगर वो अभी तक नहीं कर पा रहा है तो ही शुड हैव रियलाइज कि वो गलत है और वो मेरे साथ एथिकली गलत कर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान इतना फेलियर नहीं हो सकता है कि यार उसको इतने ऑप्शन देने के बाद वो सेट नहीं हो पाए। ठीक है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, डिजिटल मार्केटिंग नॉट समथिंग के आपको उसमें टैलेंट बहुत बड़ा चाहिए, आपको उसमें नियत सही चाहिए, as simple as that. तो so basically you're saying कि आपने उसको बहुत सारे मौके दिए, and then I made a mind कि भाई गलत कर रहा है, and who उसने intentionally इतने मौकों का फायदा नहीं उठा के perform नहीं किया, and then you decided कि okay he is not interested, he is not willing to do this, let him go like that you. हाँ मतलब I was convinced that he is not the right person. Okay. इंसान अगर ethically सही नहीं है, तो मुझे time नहीं लगता decision लेने में। हाँ वो तो है। The main thing is मुझे खुद को convince होना चाहिए कि वो इंसान गलत है। Okay. तो मुझे हो जाता है तो मैं बात करता हूँ, नहीं जम रहा है ये कहानी है क्लोज कर दो। ठीक है ना, दैट्स इट। और मुझे उस वक्त रिग्रेट नहीं होता टू बी फ्रैंक, अगर मुझे फायर करना है मुझे यू ट्राइड, आई ट्राइड एंड आई वाज कन्विंस्ड मायसेल्फ दैट 99% द पर्सन इज एथिकली रॉन्ग। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, अगर इंसान एथिकली सही है ना तो कहीं ना प्लेस हो ही जाएगा हमारी कंपनी में भी। तो दैट वाज थिंग कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता किसी को फायर करने में, बिकॉज आई हैव गिवन माय बेस्ट, ही वाज नॉट मेंट फॉर मी, इट्स बेसिकली रिलेशनशिप में। आपको पता है कि अगर इंसान आपके लिए पार्टनर सही नहीं है तो आपको ब्रेकअप करने में 1 सेकंड लगेंगे, दैट्स इट। जस्ट टू क्लेरिफाई, on script हम वैसे कहते हैं कि चिराग is like, we are not talking about चिराग anyway, but इसके अलावा अभी जैसे man management भी काफी रहता होगा, नहीं